नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल आदर्श पंचायत में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। ई ग्राम स्वराज पर बिल भुगतान किस प्रकार करते हैं, चलिए आइए जानते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर चलना है। ये मैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल के होम पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। देखिए, मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आपको लॉग इन करता हूँ। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड फिल कर दिया, कैप्चा डाल दिया, अब मैं लॉग इन करता हूँ। यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करना है, 23-24। ये देखिए इधर आ रहा है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको चलना है वाउचर ट्रांजेक्शन में। वाउचर ट्रांजेक्शन में दूसरे नंबर का है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करना है। ये पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ पेमेंट। इसको ऐसे पहला वो पेमेंट नेचर ऑफ पेमेंट वर्क। यहाँ पर आपको वर्क सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सेग्रीगेशन सेट का भुगतान कर रहा हूँ, सेग्रीगेशन सेट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्कीम, स्कीम में 15 फाइनेंस कमीशन सिलेक्ट करना है। अकाउंट हेड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पर सर्च करना है। ये देखिए टाइड, टाइड ग्रांट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, में माइनर हेड, अदर एक्सपेंडिचर, एफएफसी पीएफ में सेट, एनी अदर ऑब्जेक्ट है अदर एक्सपेंडिचर, और यहाँ को आप पर आपको अमाउंट डालना है। ये मैं सीमेंट के बिल का भुगतान कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 3% TDS काट कर जो बाकी अमाउंट बचा है, जो भुगतान करने वाला, वो यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। अमाउंट यहाँ पे भी डालना है। इसके बाद आपको एक्सपेंडिचर अमाउंट, यहाँ पर भी अमाउंट डालना है। इसके बाद नीचे ये देखिए एक्सपेंडिचर अमाउंट, यहाँ पर भी आपको जनरल में अमाउंट डालना है। ये देखिए मैंने तीनों जगह डाल दिया। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अमाउंट डालने के बाद रेफरेंस नंबर छोड़ देना है, वाउचर डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, बिल नंबर डालना है आपको और कार्य का नाम डालना है। इसके बाद आपको मेड ऑफ पेमेंट पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पीएफए में सिलेक्ट करना है, डिटेल इस पर क्लिक करना है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। इसके बाद चेकबॉक्स, एजेंसी, जिस भी आप एजेंसी को भुगतान कर रहे हैं आपने उसका वेंडर बनाया होगा, ये वेंडर यहाँ पर शो हो। ये देखिए मैं नारायण इंटरप्राइजेस को भुगतान कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर आ रहा है, नारायण इंटरप्राइज सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट आपने डाला था वो अमाउंट आपको डालना है। मैं अमाउंट डाल के आपको बता, ये मैंने दोनों जगह अमाउंट डाला है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद फ्रिज पर क्लिक करना है। ये मैंने अमाउंट डाल दिया है, अब मैं फ्रिज पर क्लिक करूँगा। जैसे आप फ्रिज पर क्लिक के लिए सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए वाउचर नंबर फ्रिज सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने सीमेंट का TDS काट के बिल वाउचर फ्रिज कर दिया है। अब चलिए वापस बैक करते हैं और TDS जो 3% काटा था उसका भुगतान कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। आपको चलना है वाउचर ट्रांजेक्शन, पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करना है। जैसे आपने सीमेंट का बिल का वाउचर बनाया था, ऐसे ही TDS का, TDS वाउचर का बिल बनाना है। देखिए दोस्तों, ये मैंने TDS का भुगतान, TDS का भुगतान चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, आपको CA को हायर करना होगा और उसका पहले ई ग्राम स्वराज पर वेंडर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने सीमेंट के बिल पर 3% TDS काटा है, ये 3% की राशि मैं CA के अकाउंट में डालूंगा, जिससे वो चालान जनरेट कर GST रिटर्न फाइल कर सके। आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर TDS कटोत्रा कार्य का नाम भी लिख देना है, सेग्रीगेशन सेट। इसके बाद वही प्रक्रिया है, मेकअप पेमेंट PPFMS, बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, एजेंसी। देखिए एजेंसी में ये जो CA का, जो आपने CA का आपने जो वेंडर बनाया है वो उसका अकाउंट सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो TDS अमाउंट है वो यहाँ पे दो जगह पर डालना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद फ्रीज करना है।
देखिए दोस्तों, ये वाउचर फ्रिज सक्सेसफुली। इसके बाद चलते हैं डीएससी, डे बुक क्लोज करना है। मैं डे बुक क्लोज कर लेता हूँ। 15 फाइनेंस, ये डे बुक क्लोज कर ली है। अब चलते हैं डीएससी साइन में। मास्टर एंट्री, डीएससी मैनेजमेंट, साइन ईपीओ। देखिए दो बिल आ गए हैं, एक ये सीमेंट का है 52,412 का, और ये जो टीडीएस काटा था 3%, ये उसका है। चलिए मैं डीएससी लगा देता हूँ। टोकन पासवर्ड डाल देता हूँ, कंफर्म सिग्नेचर। ये देखिए, अप्रूव पेमेंट एंड साइन सक्सेसफुली। चलिए दोस्तों, अब मैं एक और बिल का बिल पर डीएससी लगाता हूँ। ये सीमेंट का बिल है, अप्रूव डिजिटल साइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए दोनों बिल की डिजिटल सिग्नेचर हो गए। इसी तरह आपको चेकर लॉगिन में भी जाकर साइन करना है। धन्यवाद।